हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आम ओएसटीडी केमिस्ट्री रा सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिया। फ्रेंड्स, जदि एपर्यंत आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना ताले एबे ही सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु, जमें आम प्रत्येक क्लास नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाइपर। फ्रेंड्स, आज क्लास पीडीएफ फाइल आपको आम चैनल टेलीग्राम चैनल मिल जाए, डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जदि जॉइन होना चल जॉइन हो जाए। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। So friends, our first question is question number 1. The initial volume of the gas is 5 liter and final volume of the gas is 3 liter. Calculate the final pressure of the gas given initial temperature देजी हमहु 273 केल्विन और फाइनल टेम्परेचर हमहु देजी 200 केल्विन और इनिशियल प्रेशर हमहु देजी 25 किलो पास्कल देजी। केपीए मीन्स किलो पास्कल। सो फ्रेंड्स, हमहु कौन देजी? हमहु फास्ट हमहु दे देजी इनिशियल वॉल्यूम VI हमहु दे देजी 5 लिटर। हमहु इनिशियल वॉल्यूम दे देजी 5 लिटर। देखंतु इनिशियल वॉल्यूम VI हमहु दे देजी 5 लिटर आउ आमको फाइनल वॉल्यूम दे देजी हमको VF हमको दे देजी 3 लिटर। तापर हमको फाइनल हमको इनिशियल प्रेशर दे देजी केते ताने PI हमको दे देजी 25 किलो पास्कल दे देजी। तापर हमको देजी गिवन इनिशियल टेम्परेचर माने TI हमको दे देजी 273 केल्विन आउ TF मध्य दे देजी फाइनल टेम्परेचर TF दे देजी हमको 200। सो फ्रेंड्स, आमको पचार फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस तमें PF पचार। देखो फ्रेंड्स, आम जाचु जो कंबाइंड गैस लॉ अकॉर्डिंग टू कंबाइंड गैस लॉ कंबाइंड गैस लॉ कौन ना बोथ बॉयल्स लॉ आउ चार्ल्स लॉ रो कॉम्बिनेशन है जोटा से कंबाइंड गैस लॉ। ता फॉर्मूला कौन? ता फॉर्मूला है P1V1/T1 इक्वाल टू P2V2/T2। ता फॉर्मूला है या आम जब प्रेशर वॉल्यूम आउ टेम्परेचर रो वैल्यू आम गिवन टेम्परेचर रो वैल्यू आम जब पुट करवा आम आमको फाइनल आमको इनिशियल वॉल्यूम के देजी 5 लिटर देजी। तापर इनिशियल आमको देजी वॉल्यूम के देजी 5 लिटर। इनिशियल प्रेशर आमको देजी इनिशियल प्रेशर 25 देजी। तापर आमको कौन देजी? तापर आमको टेम्परेचर देजी इनिशियल टेम्परेचर आमको देजी 273 आम करदे। तापर इक्वाल टू दबा तापर कौन दबा P2V2/T2। तमें आमको फाइनल प्रेशर पचार फाइनल प्रेशर आम P2 रखीदे। तापर P2 रखीदे तापर आमको कौन P2V2 फाइनल वॉल्यूम आमको के 3 लिटर देजी। तापर आमको इनिशियल टेम्परेचर देजी आमको 273 आम लिखीदे। तापर फाइनल टेम्परेचर आमको के 200 दे देजी। आम जब यू सल्व करवा आमर आंसर के आमर आंसर हो 30.525 आमर हो 30.525। 30.525 को ऑप्शन अच्छी 30.525 आमर ऑप्शन नंबर सी रे अच्छे। ऑप्शन नंबर सी आमर हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला क्वेश्चन नंबर 2 कौन कहला? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन पचार। सरफेस टेंशन कहले कौन ना सरफेस टेंशन हो फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। आम करेक्ट फोर्स आम जानचु यूनिट कौन? फोर्स यूनिट हो न्यूटन। एल लेंथ रो कौन? मीटर। करेक्ट आंसर हो न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला? करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हालोजेन्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हालोजेन पचार। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आम जानचु सबुठू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो फ्लोरीन, देन आमर क्लोरीन, देन आमर हो ब्रोमीन, देन आमर हो आयोडीन। आमर सबुठ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव किए ना फ्लोरीन। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन इन ए ग्रुप ड्यू टू कौन? ड्यू टू इनक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ड्यू टू इनक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। आमर करेक्ट आंसर कौन हो? करेक्ट आंसर आमर हो ऑप्शन नंबर बी। फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। जदि आमको एठी आमको जदि इलेक्ट्रोन आफिनिटी आम पचारथिले जदि आमको पचारथांता आमको आम प्रीवियस क्लास रे गोटे डिस्कशन करथिले जे आमको इलेक्ट्रो आफिनिटी पचारला। इलेक्ट्रो आफिनिटी हले क्लोरीन न होबो फ्लोरीन थारु अधिका। कौन पे क्लोरीन इलेक्ट्रोन आफिनिटी अधिका फ्लोरीन थारु ना फ्लोरीन नो कॉम्पैक्ट साइज रहउची। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 3 कोन कहला? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कोन कहला? Write the possible values of N, L and M and S of an electron present in 2p cell। 2p subcell। 2p subcell ले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहिले कौन तार भैल्यू पचार? एन एल एम एस। एन कहले कौन? एल कहले कौन? एम कहले कौन? एस कहले कौन? एन कहले कौन ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आम जानी जोटा। आ एल कहले कौन ना अजीमुथल क्वांटम नंबर। एम कहले कौन ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एस कहले ना स्पिन क्वांटम नंबर। आम एटा जानिचु। जदि हमको 2p 2p हमको जदि सबसेल देला 2p तला एन केते हे जीवो एन हे जीवो 2 एन हे जीवो 2 एन हेला 2 हेला हमर त माने 2p मींस कोन 2p मींस केतरा से इलेक्ट्रॉन कंटेंट कर तीनटा इलेक्ट्रॉन से कंटेंट तीनटा सेल रोज तार जदि हमको एन रो वैल्यू दे देला एन रो वैल्यू हमको देला 2 त माने एल रो वैल्यू हमर एटी केता हे जीवो हमर एल सेल हम जान छु वैल्यू ऑफ एल इन p एट 2p देछि ना p 2p सबसेल ले आमे जानि छु वैल्यू ऑफ l के दे 2p सबसेल ले वैल्यू ऑफ l होची 1 वैल्यू ऑफ l आउज के 2p सबसेल ले वैल्यू ऑफ l मन रखियो हमको एटा पड़िवो जे वैल्यू ऑफ l हमको जदी s सबसेल ले पचाला s सबसेल ले वैल्यू ऑफ l होची 0 l सब हमको जदी p सबसेल ले पचाला p सबसेल ले l रो वैल्यू होची 1 d सबसेल ले जदी पचाला तले d रे हमर d ऑर्बिटल ले जदी हमर के चला d ऑर्बिटल ले होची 2 2 होची कार वैल्यू ना सेल रो वैल्यू जो एल रो वैल्यू त जदी हम एफ सबसेल ले पचाला एफ रे हमर वैल्यू होची केते एफ रे हमर वैल्यू होची 3 एटा हमको मन रखियो पड़ियो नेक्स्ट हम जानले कोन एठी एन हमको दे देची केते एन दे देची हमको 2 दे देची हमें एल जानलु एल होची 1 तब एम केते हबो ने एम रो वैल्यू वेरी करे का जान ना अजीमुथल क्वांटम नंबर ऊपर वेरी करे एम रो वैल्यू डिपेंड्स ऑन कोन माइनस एल टू प्लस एल त माने वैल्यू आर कोन हिजो ना -1 0 l वैल्यू देछि ना 1 हमर वैल्यू करियो केते -l + l -l 0 + 1 हमर m रो वैल्यू केते हिजो -1 0 + 1 तबरे हम स्पिन क्वांटम न रहत वैल्यू हम जान छ दीटा एक्सिस रे स्पिन करे गोटा हो -1/2 गोटा हो +1/2 आर ऑप्शन नंबर डी हिजो हमर करेक्ट आंसर -1 + 2 1 -1 0 + 1 +1/2 और -1/2 करेक्ट आंसर हे जो हमर ऑप्शन नंबर डी हे जो हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 5 कोन कहला अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज VSEPR थ्योरी कहले कोन ना VSEPR थ्योरी हमें जान छ VSEPR थ्योरी गोटा मॉलिक्यूल एक्चुअल स्ट्रक्चर देखाए हमें जानू को गिव्स द आईडिया अबाउट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंडिंग अपॉन द कोन डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल केते नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर केते नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट अछि ताकू हमें देखि कि केते तार VSEPR थ्योरी अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी केतरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अछि हमें ताकू लक्ष्य करी हमें जानि पारू जे मॉलिक्यूल ला एक्चुअल स्ट्रक्चर कोन हो हम को स्ट्रक्चर पचाछि हम पचाछि वाटर रा एक्चुअल स्ट्रक्चर हे जबो वाटर रा एक्चुअल स्ट्रक्चर हे जबो V शेप कोन V शेप हे जबो वाटर रा शेप टा कोले हे जबो नै एभळा हे जबो दीटा रहिला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दीटा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहिला हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी शेप हे जो हमर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रे अछि हमर करेक्ट आंसर वाटर शेप अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी कोन होबो ना डी भी शेप नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 6 कोन गेला 300 ml ऑफ ए गैस एक्सर्टिंग प्रेशर 2 atm इट्स 2 atm मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट्स ट्रांसफॉर्म टू ए वेसल of volume 600 ml what will be the pressure of the gas pressure पचार हमको एटी वॉल्यूम दे देछि दीटा गोटा दे देछि 300 आ गोटा दे देछि 600 हमें v1 दे देछि 300 आ v2 दे देछि केते v2 हमको दे देछि 600 हमें हमको कोन देछि हमको देछि प्रेशर दे देछि फर्स्ट प्रेशर गोटा दे देछि p1 हमको दे देछि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे देछि तापर हमको पचार छी p2 प्रेशर p2 पचार छी हमें जानि छु बॉयल्स लॉ अनुसार कोन ना p1 v1 = p2 v2 p1 v1 = p2 v2 अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमें जदी वैल्यू पुट करबा हम फर्स्ट प्रेशर दे देछि केते 2 दे देछि गोटे प्रेशर हम 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे देछि तब हम फर्स्ट वॉल्यूम के 300 देछि तमगा प्रेशर 2 p2 पचार सेकंड वॉल्यूम हम 600 देछि ए 600 टको हम जदी एपकु नै आसीबा ए कोन हे जो ना 300 रे 600 कटि गेल 2 2 रे 2 कटि गेल हे जो के 1 p2 हे जो हमर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक ऑप्शन नंबर 1 ए रे अछि हमर करेक्ट आंसर हे जो के ऑप्शन नंबर ए हे जो हमर करेक्ट आंसर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 7 क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू करेक्ट आंसर हे जो ऑप्शन नंबर ए सरफेस टेंशन क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू कोन ना सरफेस टेंशन लागि आउडा जो हमें आगु करथिले स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर जोटा सेटा स्फेरिकल काहेकि सेटा स्फेरिकल कोन भाई ना ड्यू टू सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आउडा भी नीडल फ्लोट्स ऑन वाटर सेटा भी ड्यू टू सरफेस टेंशन सेटा भी ड्यू टू सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर ए इज हमर करेक्ट आंसर सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द रिएक्शन इन्वॉल्व ए रिएक्शन टा को प्रोसेस अंडर रे जाउजी कोन दे 2ZNH + 3O2 गिव्स 2ZNO + 2SO2 गोटा सल्फाइड ओड टा ऑक्साइड को कन्वर्ट होउजी सल्फाइड ओड टा ऑक्साइड को कन्वर्ट होबा मींस कोन रोस्टिंग हम पढथिले रोस्टिंग कोन ना हीटिंग अप और इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर एक्सेस अमाउंट रे जदी O2 प्रेजेंस रे हिटिंग हला ओर को ताको हमें कोन कहया रोस्टिंग कहया रोस्टिंग का को ओर क्षेत्र रे एप्लीकेबल होबो रोस्टिंग केवल सल्फाइड ओर क्षेत्र रे एप्लीकेबल होबो एठी भी सल्फाइड ओर देई जे हमर ZNS देई जे हमको त हमर करेक्ट आंसर जेबो रोस्टिंग। कैल्सिनेशन तो हमर ऑक्साइड ओर क्षेत्र रे है ना कैल्सिनेशन हमर ऑक्साइड ओर क्षेत्र है आ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर यूज है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर यूज है हमर करेक्ट आंसर कोन जेबो ऑप्शन नंबर बी है जो हमर करेक्ट आंसर रोस्टिंग है जो हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 कौन कहला एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड और एल्युमिनियम जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम है एटा मेटालर्जी रे डेफिनेटली आपन दो तीन टा क्वेश्चन आपन मोस्ट पचारिबो एग्जाम रे देखंतु एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड और कोन एल्युमिनियम टा को ऑक्साइड और एक्सट्रैक्शन है करेक्ट आंसर इज बॉक्साइड एल्युमिनियम टा को और ऑक्साइड को और रु तार ऑक्साइड और एक्सट्रैक्शन है ना बॉक्साइड और बॉक्साइड रे फार्मूला कोन ना Al2O3 * 2H2O एटा होची बॉक्साइड ओर रो फार्मूला। हेमाटाइट तो एटा हेमाटाइट तो हमर आयरन रो ओर मैग्नेटाइट तो भी से आयरन रो ओर कैलामाइन तो हमर जिंक रो ओर। नेक्स्ट हमर ऑप्शन नंबर ए हे जो हमर करेक्ट आंसर बॉक्साइड एल्युमिनियम कोठो एक्सट्रैक्शन है बॉक्साइड ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जवा क्वेश्चन नंबर 10 कोन कहला क्वेश्चन नंबर 10 कहला व्हाट अमाउंट ऑफ H2SO4 what amount of H2SO4 present in 1 liter of 0.5 m solution केते अमाउंट रो केते ग्राम केते अमाउंट वेट पचारची H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड केते प्रेजेंट अछि 1 लीटर ऑफ 0.5 मोलारिटी सॉल्यूशन ने हमहु कोन दे दीची हमहु फर्स्ट मोलारिटी दे दीची 0.5 m H2SO4 रो दे दीची हमें मोलारिटी कहले कोन मोलारिटी हमर होउची कोन ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हम जानि छ तब मोलारिटी हमहु दे दीची हमें कोन करबा ना H2SO4 रो मॉलिक्यूलर मास काढि दवा H2SO4 मॉलिक्यूलर मास हमें जानि छ 98 H2SO4 हम जानि छ त मोलारिटी हमको दे दे छी केते मोलारिटी हमको दे दे 0.5 वॉल्यूम दे दे छी 1 लीटर इक्वल टू केते 1000 ml हमें जानि छ तापर हमर गोटा जो फार्मूला अछि कार ना नॉर्मालिटी रो मोलारिटी रो फार्मूला अछि मोलारिटी रो कोन ना मोलारिटी इक्वल टू वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम एटा होची मोलारिटी रो फार्मूला इंपोर्टेंट फार्मूला ए क्वेश्चन ए टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम रे आसुची देख हमर एठु जदी हमें वेट कैलकुलेशन करबा ए फॉलोइंग ए जो जा देजी एटी पकेबा 0.5 जति मोलारिटी देजी तार वेट तो हमहु पचार छी ना वेट हम एठी रखि दबा 1000 लिखि दबा मॉलिक्यूलर मास केते हम जाले 98 आ एठी केते वॉल्यूम हमहु देजी 1 लीटर माने के 1000 ml दे देजी हमहु 1000 कैंसिल हो गला एटा 98 रे हम जदी एटी 98 रे हम जदी केते 98 रे हम जदी 0.5 को गुणी दबा हमर कोन हे जो हमर करेक्ट आंसर हे जो केते 40 हम करेक्ट आंसर हे जो हमर 49 हमर हे जो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हे जो हमर करेक्ट आंसर कम पचातला H2SO4 केते प्रेजेंट है 49। नेक्स्ट क्वेश्चन को जुवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला आईयूपीएससी नेम पचाला आईयूपीएससी नेम मोस्ट आपनर दुटा क्वेश्चन कि गोटे क्वेश्चन जाहले भी आपन क्वेश्चन ओएसटीडी एग्जाम रे आपन पचारियो आईयूपीएससी नेम पचारि आईयूपीएससी नेम कले हम जतले आईयूपीएससी नेम बाहर करू केमि करू ना फर्स्ट हम लॉन्ग चेन सिलेक्ट करू केतरा कार्बन अछि 1 2 3 4 5 स्ट्रेट देखिले तब एमे देखिबा जदी 1 2 3 4 टा कार्बन हो हम एटा लॉन्ग चेन नै गेले फर्स्ट एक नंबर पोजीशन हम दे नेमिंग कर नंबरिंग कर आसीबा नंबरिंग हम देखिबा जदी देखंतु नंबरिंग हमें जदी करी करी आसीबा हम एटी नंबरिंग कले 1 2 3 4 5 पांचटा कार्बन रहला एठी सबस्टिट्यूएंट गोटा ब्रोमीन रहला गोटा मिथाइल रहला गोटा क्लोरीन रहला हमें नेमिंग कला बेले अकॉर्डिंग टू कोन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर रे नेमिंग करू त हमर फर्स्ट पोजीशन ने रहि जे कि ब्रोमीन तापर अछि क्लोरीन फर्स्ट त माने कोन लिखबा ना हम लिखबा 1 ब्रोमो कोन लिखबा ना 1 ब्रोमो तापर हमर 1 2 गले 3 पोजीशन अछि मिथाइल तापर 5 पोजीशन अछि क्लोरीन आगे क्लोरीन आसीओ 5 क्लोरो लिखियो 5 क्लोरो तापर हमर 3 पोजीशन अछि मिथाइल 3 मिथाइल थ्री मिथाइल केतरा कार्बन अच्छी पांचटा सिंगल बॉन्ड अच्छी तुम कौन ना पेंटेन करेक्ट आंसर हो कौन करेक्ट आंसर हो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा लास्ट क्वेश्चन आमर 12 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच इज मोर एसिडिक Cl CH2COOH Cl2CHCOOH Cl3COOH Cl3CCOOH आ भितर किए मोर एसिडिक आम केमी जाना ना आम गोटे पढ़ते प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट कहले कौन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप थी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप थिले से कौन ना एसिडिक से कौन निज आड़ को इलेक्ट्रॉन कौन कर निजे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थी जदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थी किए ना ClBr एगुड़ा सब कौन हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम जो मैंने कौन इलेक्ट्रॉन निज आड़ को टाणी ने अट्राक्ट करदे आम जानू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थिले एसिडिटी कौन ना इनक्रीज कर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थिले एसिडिटी कौन इनक्रीज कर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थिले इलेक्ट्रॉन एसिडिटी कौन डिक्रीज कर एसिडिटी डिक्रीज कर। सो आम देखीचु एठी केतेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अच्छी क्लोरीन एठी गोटे अच्छी एठी क्लोरीन दुईटा अच्छी एठी क्लोरीन तीन अच्छी तम मोर एसिडिक किए थी जदि मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा से मोर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कौन कर विड्रॉ करने ना तो मोर एसिडिक किए हे जो थे अधिका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थी सो आम फास्ट हो तीन नंबरटा हो फास्ट एसिडिक 3 2 1 आमर हो करेक्ट आंसर कौन सो आमर हो सॉरी 3 इज मोर एसिडिक देन 2 इज मोर एसिडिक देन 1 ऑप्शन नंबर 2 बी हो आमर करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स एटा आमर लास्ट क्वेश्चन था जब वीडियो भल लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे भूलें थैंक यू।